चलिए। इसके अलॉय व्हील्स भाई साहब, मज़ेदार अलॉय व्हील्स हैं। दीज आर आई थिंक 20 इंच अलॉय व्हील्स। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको बोल रहे हैं कि आपको लगवा के देंगे जब आप आएंगे। अरे ले लिए हैं भैया, आप आएंगे रेडी हैं टायर। बिल्कुल जी। ये तो नेबर को डिस्टर्ब करने वाली। बैठ के दिखाएंगे आप? नहीं आ पाऊंगा, आ जाऊंगा या। और अगर इरफान भाई आ सकते हैं तो आपके लगेज भाई इजीली आ। भाई लिटरली मैं तो लेट गया भाई। नहीं मैं आ सकता हूँ भाई। स्टार्ट करते हैं। हो गया। बाप रे। ओ भाई हो गया। 100% हो गया भाई। ओहो, सच में आज लिटरली जो इनका नाम है ना वो बिल्कुल खरा उतर रहा है, और भाई भी उतर जाएंगे क्योंकि आज का वीडियो है क्रेज़ी अबाउट कार डीलरशिप पे। इतने क्रेज़ी हैं ये लोग अपनी गाड़ियों को लेके, बाइकों को लेके। खैर बाइक तो आपने पहली बार देखी होगी जो आज हम इंट्रोड्यूस करें आप सबके लिए, और दो बहुत ही ब्यूटीफुल कार लेके आए हैं जो आज हमने आपको दिखाने, जिसमें एक रेड ब्यूटी है। देन कन्वर्टेबल गाड़ी की बहुत ज़्यादा डिमांड आती है, स्पेशली Z4 का एक अलग ही सेगमेंट है जो मतलब क्लाइंट ढूंढते रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको Z4 ही पसंद है, क्योंकि हर कोई कन्वर्टेबल कार जो होती है ना वो हार्ड टॉप नहीं होते। बहुत सारी गाड़ियाँ हैं आपने देखी होगी सॉफ्ट टॉप होते हैं, लेकिन हर किसी को सॉफ्ट टॉप समझ नहीं आता। आज आपके लेके आए हैं हार्ड टॉप एंड हार्ड कोर मशीन, दैट इज 6 सीरीज। जानकारी देने के लिए होंगे ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, दैट इज अक्षत जिज्ञासु। दूर ना खड़े रहे, वेलकम जी। आपका भी वेलकम है माई कंट्री मैरिट में। कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अक्षत भाई कमेंट में ज़रूर बताना कि कितने स्मार्ट हो गए हैं पहले से। क्या बोलती है पब्लिक? आपसे ज़्यादा स्मार्ट नहीं हो सकते। अरे मत करो ऐसी बातें। अच्छा एक बात ज़रूरी है कि क्या अब इतना क्रेज़ हो गया क्रेज़ी अबाउट कार में कि मतलब हम हार्ले में भी आ जाएंगे क्या? अब टू स्टार्ट ऑफ विद हमने बाइक्स भी रखना स्टार्ट करा है, तो सबसे पहले हार्ले डेविडसन आपको दिखाई जाएगी इस वीडियो में। okay. और जैसा कि प्रॉमिस करा था लास्ट वीडियो में कि हम आपको थोड़ा स्पोर्ट्स सेगमेंट की तरफ अब जो हमारे पास स्टॉक है वो दिखाएंगे अब। करेक्ट। तो आज आपके लाए हैं कन्वर्टेबल और कूपे। सबसे पहले बाइक कर लेते हैं जी। तो हार्ले डेविडसन क्रूज़र है जैसा कि सबको पता है, सुपर लो 883 है। ओके। कलर की बात करें सिल्वर कलर जैसा आप देख सकते हैं। लोडिंग की बात करें तो इसमें आपको आफ्टर मार्केट स्क्रीमिन ईगल के एग्जॉस्ट मिलता है। ओके। लोगों को आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं कितने का है, जो कि कान बहुत ज़्यादा कितना लाउड आवाज़ करते हैं, बहुत ही ज़्यादा लाउड है। और इसके अलावा कस्टम हैंडल जी, कस्टम हैंडल, और इसकी हमारे पास रेयर सीट जैसा आप देख सकते हैं रेयर सीट भी है, और हमारे पास ब्रांड न्यू टायर्स भी इसके पड़े हुए हैं। हाँ टायर मुझे लग रहा है ये गए। देखिए मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था हम अपने स्टॉक पे पैसे खर्चने से पीछे नहीं हटते हैं। सही बात है। तो हमने इसके ब्रांड न्यू टायर्स ऑर्डर करे हैं जो कि हम आपको वीडियो में भी दिखाएंगे।
और वो हम आपको फिट करा के देंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको बोल रहे हैं कि आपको लगवा के देंगे जब आप आएंगे। अरे ले लिए हैं भैया, आप आएंगे रेडी हैं टायर। बिल्कुल जी। 13,044 किलोमीटर चलिए, जिसमें से 1 किलोमीटर भी मेरा नहीं है इसके अंदर कंट्रीब्यूशन, कुछ मीटर का ही कंट्रीब्यूशन है मेरा जो मैंने आपको चला के दिया। बाइक अगर चलाते तो इरफान भाई ही चलाते हैं, हमें से कोई नहीं चलाता। और लोडिंग्स की बात मैं कर रहा था, देखो मैंने आपको ये नहीं बताया, जो हेडलाइट है वो भी आफ्टर मार्केट फिटेड है इसमें। अच्छा ये ओके ओके ठीक ठीक, ये जल भी रही है। भी अलग से हमारे पास पड़ा हुआ है, वो फिटेड नहीं है बट वो आपको मिल जाएगा जब आप बाइक लेंगे। ठीक है जी। हाँ जी। और 83 cc है और आप जानते हैं इसकी अवेलेबिलिटी मार्केट में अगर आप ऑनलाइन भी चेक करें बहुत पुअर है, मिलती नहीं है इजीली ये बाइक आपको। आयरन मिल जाएगी, स्ट्रीट मिल जाएगी, बट सुपर लो 83 थोड़ी मुश्किल से ही मिलती है। सही कह रहे हैं। मैं सही तो हाँ जी। डेली नंबर है 13,000 चली हुई, 2015 मॉडल है और फुली इंश्योर्ड। एक बार आवाज़ सुना देते हैं फिर। हाँ जी चलो। वैसे आपने सुन ली होगी लेकिन फिर भी मैं आपको धमाका सुना दूँ, कितने धमाकेदार है भाई। तो नेबर को डिस्टर्ब करने वाली चीज़ है भाई, लेकिन इसके बिना मज़ा भी नहीं है इसका चलाने का। एग्जॉस्ट के बिना तो आप फील ही नहीं है। एक ऐसी डील बताओ जी जो लेने वाले को मज़ा आ जाए ताकि बस फटाफट डील कराए और अपने मतलब, अब क्योंकि सर्दियां बस आने वाली हैं और ये सर्दियों की मशीन हो जाएगी वो कुछ टाइम में। हाँ जी। गर्मियों में तो नहीं चलाते लोग इतना ज़्यादा क्योंकि हीट ज़्यादा फेंकती है। जी जी। तो इसका वेदर आ रहा है चलाने का भाई। आस्किंग प्राइस की बात करें तो 5.25 की डिमांड है। ओके। 5,25,000 की डिमांड है और डिस्काउंट कुछ निकाला हुआ है तो 4,90,000 में आफ्टर डिस्काउंट या बाइक आपको मिल जाएगी। फाइनल प्राइस बता रहे हो आप? फाइनली थोड़ा बहुत मैंने नेगोशिएशन देख लेंगे जब जो भी फाइल करने आएंगे। 4,90,000 का अभी आस्किंग प्राइस है। बाकी आप इन्हें कॉन्टैक्ट ज़रूर करें अगर आपको इस गाड़ी की और डिटेल चाहिए, पिक्चर्स चाहिए या कुछ और इन्फॉर्मेशन आप पूछना चाहते हैं तो वो भी आपको असिस्ट कर देंगे। अब क्या कहते हैं, रेड और वाइट क्या करना चाहिए? रेड से स्टार्ट करते हैं। रेड चलते हैं। रेड के पता क्या, रेड में मुझे अट्रैक्टिव पता सबसे ज़्यादा क्या लगते हैं? इसके अलॉय व्हील्स भाई साहब, मज़ेदार अलॉय व्हील्स हैं। दीज आर आई थिंक 20 इंच अलॉय व्हील्स। हाँ जी। तो इरफान भाई 6 सीरीज़ तो आपने मार्केट में बहुत देखी होगी। फ़र्क इतना है कि ये 640D एम स्पोर्ट है और ये कंपनी से ही एम स्पोर्ट, इसमें जो एम किट लगी हुई है वो कंपनी से ही है, वो आफ्टर मार्केट फिटेड नहीं है। ये बहुत कम गाड़ियाँ निकली थी, 8 से 10 टोटल गाड़ियाँ निकली थी। क्या बात कर रहे हैं। हाँ जी। और आई थिंक दिल्ली में सिर्फ 2 ही अवेलेबल है यूज मार्केट में और उनमें से रेड कलर सिर्फ एक ही है। तो ये मतलब ये आप कह रहे हो कि फैक्ट्री कलर है, ये रैप नहीं है? नहीं, रैप नहीं है, रेड कलर है। और इसके अलावा आपने देखा होगा 6 सीरीज कूपे, ग्रैंड कूपे मार्केट में इजीली अवेलेबल मिल जाएगी, बट एम किट के साथ आपको जो कूपे है वो नहीं मिलेगी। चलिए बैक से देखते हैं। अब इस गाड़ी की जो सिटिंग कैपेसिटी है वो है 4 सीटर कार है ये, बट पीछे इसके अंदर आपको मिलती है चाइल्ड सीट्स। बाकी अक्षत भाई एक्सप्लेन करेंगे। इसमें आपको कॉट टिप्स एग्जॉस्ट जो हैं वो आफ्टर मार्केट फिटेड हैं। ओके। उसके अलावा जो अलॉयज हैं वो कंपनी से ही आपको एम स्पोर्ट वाले मिलते हैं। अच्छा, दीज आर नॉट आफ्टर मार्केट, स्टैगर्ड अलॉय व्हील्स हैं। अगर आप पीछे का टायर देखेंगे तो आपको जब ये चलती है ना तो आप पीछे का जो ब्रॉडनेस देख पाओगे, सच बता रहा हूँ इतनी ज़्यादा मतलब ब्रॉड लगती है, इतनी ज़्यादा बल्की लगती है, इम्प्रेसिव, करेक्ट दैट्स द वर्ड, इम्प्रेसिव, बहुत ज़्यादा इसकी लुक आती है। अब बात करते हैं इसकी बूट स्पेस की कि कितना बूट स्पेस है इस गाड़ी के अंदर, कि अगर कितना है, क्या बात करो। तो आज मैं बैठ के देख लूँगा। चलो खोलो, देख लेते हैं आज। चलो चलो चलो, खोलो 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 खोलो। अरे बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा भाई इन्होंने कि मैं आ ही जाऊंगा भाई इसके अंदर। भाई ये VIP नंबर वाली कार है, एक बार एक आपके लिए हमें अंदर बैठ के दिखाएंगे। नहीं आ पाऊंगा, आ जाऊंगा या और अगर इरफान भाई आ सकते हैं तो आपके लगेज भाई इजीली आ, भाई लिटरली मैं तो लेट गया भाई। नहीं मैं आ सकता हूँ भाई। अक्षत भाई वॉज राइट कि ऐसी ऐसी गाड़ी में अगर मैं फिट हो गया ना लेट के तो इसका मतलब ये फ़ायदे का सौदा होगा। इसके अंदर लगेज की कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। अक्सर लोगों को स्पोर्ट्स कार में ऐसी कारों में यही प्रॉब्लम रहती है, यार पीछे कुछ रख नहीं सकते, अगर हम और बंदे को लेके जा रहे हैं तो दिक्कत होगी, बट बेस्ट है ये। बिल्कुल जी। अंदर से देखें फिर तो ये रही इसकी की, ठीक है आप देख लीजिए। अब मैं इसके अंदर बैठता हूँ। देखो मैंने आपको हमेशा से कहा ये लोग अपनी गाड़ियों पे पैसा बहुत ज़्यादा खर्चते हैं। इन्होंने इस गाड़ी का स्टेयरिंग बनवाया, मतलब स्टेयरिंग रैप करवाया। रैप नहीं करा, स्टेयरिंग पूरा बना है। ये देखिए ये अल्कांटारा लेदर है,
देख सकते हैं। मैं बड़ा इंप्रेस हुआ इस स्टेयरिंग से ना, मेरे को तो जी करा कि अपनी i20 में भी ऐसे करा लूं। हां मैं ये जो बैज देख रहे हो, ये जो बैजिंग है ये एम स्पोर्ट की, ये भी कंपनी से ही है। okay. और जगह जगह आप देख सकते हो, आपको एम स्पोर्ट की बैजिंग दिख जाएगी। अगर आप वहाँ पे देखो जो उसका प्लेट है, वो भी एम स्पोर्ट की वहाँ पे बैजिंग है। करेक्ट करेक्ट। तो कंप्लीट है। और इसका इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर भी इसका बहुत फर्क होता है, ब्लैक विद ब्लू स्टिच आपको इंटीरियर मिलता है। तो ये हमने कुछ करवाया, जैसे ये कार्बन फाइबर जो ये फिनिश आ रही है डिपर। हाँ जी, ये तो कार्बन फाइबर जो लुक है ये हमने करवाया हुआ है। okay. हाइड्रो डिपिंग कराई हुई है, ये हाइड्रो डिपिंग कराई हुई है, तो इससे बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है। उसके अलावा बात करें, देखिए आपको फ्रेमलेस डोर्स मिलते हैं, पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, रिवर्स कैमरा, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है आपको, पेडल शिफ्टर्स मिलते हैं। वाओ यार, हेडसेट डिस्प्ले, ये चीज दिल ले आती है। और उससे ज्यादा जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस गाड़ी का ये 4 सीटर है। देखो मैं एक बार आपको दिखाऊं, एक बार हेडसेट डिस्प्ले ये देखो, यहीं से दिखाता हूं मैं, देखता हूं कि आपको दिखती लेकिन दिखेगी आपको, पता है कैसे? ये मैं दिखाता हूं, ये देखो ऐसे, ये देखो, ये दिख रही है क्या? सही है भैया, हेलो कर दो एक बार, हेलो हेलो कर दो, हेलो। ये देखो, तो ये है हेडसेट डिस्प्ले। हेडसेट डिस्प्ले एक एडवांटेज तो रहता ही है या नहीं? जी बिल्कुल रहता है। आप अगर आप अच्छी स्पीड पे चल रहे हैं, आप अपनी स्पीड मॉनिटर साथ में कर सकते हैं। हाँ जी, वाइल्ड ड्राइविंग तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज तो है, आपको बार बार ओडोमीटर की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। देखो एक चीज़ मेरे को ना आपसे रिक्वेस्ट करनी है, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट को मान लेना और मेरे व्यूअर्स की भी जी। कि मैं अक्सर मैं ही बैठा हूँ पीछे चेक करने के लिए, आज मैं चाहूँगा कि आप बैठो एक बार, बैठ सकते हो? बिल्कुल। देखो अक्षत भाई की ना हाइट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब माशाल्लाह से 6 फुट के तो है ही। अब देखते हैं कि ये 6 फुट के इंसान के लिए पीछे की जो सीट होती हैं वो कितनी कंफर्टेबल होती है, क्या प्रैक्टिकलिटी है इन सीटों की। तो लेट्स सी। तो ये इलेक्ट्रॉनिकली हो रहे हैं, आप ये भी आप देख लो, बटन ऑपरेटेड है, आपको बटन दबाने सीट आगे हो जाएगी, ठीक है, देन फोल्ड होगी, फोल्ड होगी, ठीक है, देन गए, ठीक है जी। ओए होए होए हैं, अगर मैं आगे बैठूंगा ना तो ये बिल्कुल ठीक जगह बैठे हुए हैं। आप देख लो, स्पेस देख लो, लेग रूम देख लो इनका, ये देखो। और ये सीट आगे नहीं है, आप देख सकते हैं सीट बिल्कुल पीछे है। ये देखो यहाँ पे लेग रूम है जो काफी ज्यादा है, कैसा लग रहा है फिर पीछे? कंफर्टेबली पीछे बैठ सकते हैं। मैं जैसे बता रहा था, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है, ये गाड़ी 4 सीटर है। ओके, तो आप 4 लोग ट्रैवल कर सकते हैं। और चले फिर अपन लोग, हम 4 भाई तो हैं, 2 आप भाई, 2 हम भाई, चलो जी चले फिर लद्दाख जाइए, आप जहाँ बोलोगे वहाँ चलेंगे। वैसे एक प्रैक्टिकल बात है, ये लद्दाख तो नहीं जा सकती, ये इतनी लो तो होती है। देखिए अगर आप ट्रैवल करेंगे, अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस इसकी एज कम्पेयर टू एनी SUV थोड़ी कम होती है ऑब्वियसली। ओके, बट अगर आप किसी भी 7 सीरीज 5 सीरीज किसी भी नॉर्मल सेडान से कंपेयर करें तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस सफिशिएंट इनफ है। अब एक बार आप निकल के भी दिखा दो। बिल्कुल। अब ये देखो, अब कोई इनकी हेल्प करे ना करे, ये इजीली खुद ही फोल्ड करके सीट निकल जाएंगे, ठीक है। अब देन ये करी इन्होंने फोल्ड, ये निकलने का जो तरीका है वो है ऐसे, ये निकल गए हैं। अब एक बार मैं रिवर्स करके आपको बस रिवर्स कैमरा इसका दिखा दूँ ताकि आप देख लो, ये देख लो इसके अंदर रिवर्स कैमरा भी है जो कि आपको दिख रहा है। पी पे कर देते हैं, गाड़ी को कर देते हैं बंद और चलते हैं इसके प्राइस की तरफ कि रेड ब्यूटी कितने की मिलेगी। आप कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वेदर फ्रॉम चेन्नई और महाराष्ट्र, बंगाल, ठीक है। अब ये मत कहना कि आपने हमारे स्टेट का नाम लिया, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है और हमारे इंडिया को मैं बहुत प्यार करता हूँ और जैसे आप करते हैं। तो आप किसी भी स्टेट से देख रहे हैं तो अक्षत भाई डेफिनेटली इस गाड़ी की आपको NOC भी दे देंगे। हर स्टेट के लिए NOC अवेलेबल हो जाएगा, इंश्योरेंस हर स्टेट के लिए, फाइनेंस फैसिलिटी हर स्टेट के लिए तो नहीं है, बट हाँ जी कोशिश करेंगे कि अगर इंसान ओके है, ओके या फाइल तो करवा देंगे, बिल्कुल कोशिश करेंगे आपका फाइनेंस हो जाए। अब डील बता दो। डील की बात करें तो इरफान में 32.5 32,50,000 इसका आस्किंग प्राइस है। और जैसा कि अभी हमने आपको बाइक पे भी डिस्काउंट दिया है, इस पे भी डिस्काउंट देना बनता है। इसका जो प्राइस रखा है 31.5 31,50,000 इसका प्राइस रखा है। 2012 मॉडल है, चली हुई है, ये 50,000 के आसपास, 50,000 किलोमीटर्स के आसपास, जेन्युइन, बहुत ही क्लीन गाड़ी है और जैसे मैंने बताया बहुत ही रेयर गाड़ी है। UP नंबर है, नोएडा नंबर। okay. और VVIP नंबर 0082 नंबर है इस गाड़ी का, तो एक बहुत ही अच्छा एक प्लस पॉइंट है, एक एडवांटेज है। बहुत बढ़िया जी। तो ये रही इसकी डील। देखो आप खुद सोचो कि इतनी एक्सपेंसिव कार है, ये 1 करोड़ से ऊपर की कार है अगर आप न्यू की बात करो जी। अब आप कहोगे ये तो ओल्ड शेप, आप 1 करोड़ से कैसे कंपेयर कर सकते हो? तो भाई जब ये सन 2000 मॉडल है, ये 12 में भी जब आती थी तब भी इसका अच्छा खासा प्राइस था। बिल्कुल जी।
तब भी ये 30-35 lakh में थोड़ा आती होगी। नहीं नहीं, 1 crore के आसपास के, आप सही कह रहे हैं, 1 crore के आसपास की है। और ऑनलाइन आप चेक करें, आपको वेरिएंट मिलेगा ही नहीं, 640D एम स्पोर्ट आपको ऑनलाइन मिलेगा ही नहीं। यानी आपको ऐसी गाड़ी दिलवा रहे हैं यहाँ से जो कि इंडिया में ही 4 है, 8 से 10 है जितनी मेरी नॉलेज में। दिल्ली बता दो, दिल्ली में सिर्फ 2 हैं जो सेल, दिल्ली में 2 हैं, एक ही हरी। अब बात करते हैं इसकी, ये जो है ना, ये भाई बहुत लोग डिमांड करते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में, इरफान भाई Z4, BMW कन्वर्टेबल, हार्ड टॉप कन्वर्टेबल चाहिए, बता दो बता दो। तो भाई प्रेजेंटिंग यू विद द VVIP नंबर, माइंड ब्लोइंग कंडीशन, क्योंकि टेस्ट ड्राइव मैंने खुद लिया इस गाड़ी की और चलने में बहुत बढ़िया है। और मेरे इंस्टाग्राम पे इस गाड़ी की 3 million पेयर रील, अगर ना यकीन आया तो इंस्टाग्राम पे देख लेना। आपने देखी? देखी नहीं होगी? नहीं नहीं, बिल्कुल देखी मैंने। अपनी रील तो देख लिया करो दादा, 3 million पेस की रील। अच्छा जी, यू नो दैट गाड़ी ऐसी है। अरे तो गाड़ी ही ऐसी है, हम क्या कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इस गाड़ी की। तो सबसे पहले अक्षत भाई, आप मुझे ये बताएं कि ये गाड़ी आपकी कितनी फेवरेट है। इरफान भाई देखिए, इस सेगमेंट में आई थिंक एक आधी ऑप्शन अवेलेबल है हार्ड टॉप में, कन्वर्टेबल में, SLK और Z4। करेक्ट है। और BMW अपनी फेवरेट शुरू से ही रही है, आपको पता है। बिल्कुल। और गाड़ी बहुत ज़्यादा डिमांड में रहती है और बहुत मुश्किल से मिलती है, अपने हाथ भी बड़ी मुश्किल से ही आई है। BMW Z4 कन्वर्टेबल और ये फेसलिफ्ट है। ओके। हाँ जी, माइनर डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इंटीरियर में डिफरेंस है, जो आप ग्रिल की बात करें उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ओके। हाँ जी, और लोडिंग की बात करें तो इसमें आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट मिलते हैं जो, और उसके अलावा एक आपको रेयर व्यू, स्मार्ट रेयर व्यू मिलता है जो कि एंड्रॉयड है और टच है। कैमरा भी है। अच्छा, वो कह रहे हो आप? हाँ जी, वो आफ्टर मार्केट फिट। ओके ओके, ठीक है ठीक है। एंड्रॉयड में टच आपको मिलता है, उसके अलावा रेयर व्यू मिरर कह रहे हैं ये जी, बस यही आफ्टर मार्केट है। और तीनों ही गाड़ी, दो गाड़ियाँ और जो हमने बाइक आपको दिखाई है, सारी इंश्योर्ड हैं, इसकी 0 DAP इंश्योरेंस अवेलेबल है। ओके जी, स्टार्ट करके दिखाओ फिर, सुनाओ इसके इसकी आवाज़ को। लेके भी चलेंगे अभी, टेस्ट ड्राइव पे लेके चलते हैं। तो पहले आवाज़ तो सुना दो, फिर लेके चलते हैं ना। देखो इस गाड़ी को पूरा चारों तरफ से आप देख लो, एक बार मैं कन्वर्ट करके भी आपको दिखा दूंगा, फिर सीधा टेस्ट ड्राइव पे लेके चलते हैं आपको। अभी ये देखो एग्जॉस्ट की आवाज़ सुन लो एक बार थोड़ा सा। चलिए अब आप रिवर्स कर लो और इसे कन्वर्ट करके दिखाओ, तो आप देखना है कन्वर्ट कैसे होती है, इसका मज़ा ही यही है। करिए कन्वर्ट करिए, तो बटन देख लो, वो देखो उनका हाथ देखो कहाँ पे है, वहाँ पे बटन है। और ये देखो अब हार्ड टॉप है, किस तरीके से उठेगी, माइंड ब्लोइंग भाई। ये देखो ये गई और ये अब इतना पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा और ऑल क्लीन, आवाज़ तक नहीं है जी। देखो अब लोग कहते हैं कि यूज़ कर रहा है तो वो ज़्यादा वो होगी, ये तो वैसे काफ़ी माइंड ब्लोइंग कंडीशन है। एक बार रिवर्स करिए गाड़ी को, अब रिवर्स कर रहे हैं, फिर इसके अंदर बैठ के ज़रा गेड़ी मारने चलेंगे। पीछे कर लीजिए, अब लुक देखिए, लुक देखिए, क्या लुक आ रही है भाई। ये देखिए माइंड ब्लोइंग DRLs यार, मतलब मज़ा ही आ गया। अब पीछे से भी देख लो, पीछे से क्या कंडीशन है गाड़ी की, ठीक है। अब एक बार इसे छत खोल दीजिए, छत खोल दीजिए, तो अब ज़रा हम तो खोल के चलाएंगे इसे और ड्राइव पे जाएंगे। तो ये देख लो जब खुलती है, अब ये देखो ये जो ये चीज़ मुझे बड़ी मज़ेदार लगती है, यू नो ये देख रहे हो, अमेजिंग गाड़ी की लुक ही चेंज होगी भाई। आओ अब चलते हैं सीधा इसकी ड्राइव पे और आपको दिखाता हूँ मैं कि क्या है भाई इसकी ड्राइव। भैया तो अब हम निकल चुके हैं Z4 की ड्राइव पे और ये देखो, ओ भाई साहब, 0 to 100 कितना है अक्षत भाई? इरफान भाई इसका 0 to 100 5.1 सेकंड्स में है, और जो हमने रेड वाली दिखाई है उसका 5.6 सेकंड्स में है। ओ अभी आपको मैं इसका डैशबोर्ड दिखा देता हूँ, तो सी द डैशबोर्ड एंड स्टेयरिंग देख लो आप, कितना मतलब कंफर्टेबली चला रहे हैं। देखो कोई मतलब ड्राइव इतनी अमेजिंग है, ये देख लीजिए आप रोड देख लीजिए और मीटर, ओ रे बाप रे बाप यार, आप स्केरी ड्राइवर हो यार। देखो अगर आप ऐसी गाड़ी में बैठो और आपने आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट नहीं लगवाया तो फिर मजा नहीं है। तो थोड़ा हाँ, थोड़ा पीक बाइक की बात करें चाहे इस कन्वर्टेबल की बात करें, करेक्ट करेक्ट, एग्जॉस्ट के बिना मजा नहीं है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं इसको लेके और यहाँ पे जो जो चीज़ें वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर मोड्स भी हैं, आपको मोड्स भी काफ़ी सारे दिखते हैं यहाँ पे, जहाँ पे अक्षत भाई का पैर है उधर मोड्स हैं। तो मोड्स भी मैं अगर आपको दिखाऊँ तो ये देख लीजिए, स्पोर्ट्स है, कम्फर्ट है, ऑफ हो जाएगा, ये आपका स्पोर्ट्स प्लस है इसमें मोड। बाकी जो टॉप स्पीड है वो भी मैं आपको दिखाऊँ, तो टॉप स्पीड है 280
यहाँ पे आपको डिस्प्ले दिखती है जो कि आप देख ही सकते हैं। और असली मज़ा है दोस्तों इस चीज़ का कि जो आप देख पा रहे हैं ना, ये ओ अरे बाप रे बाप, ये देख रहे हो इरफान में, क्या आपको नेविगेशन भी मिलता है? अच्छा नेविगेशन भी है, नेविगेशन फीचर भी है। ओके, इसके अलावा जैसे मैं बोल रहा था ये आपको टच वो मिलता है, ये आपको टोटली टच है, नेविगेशन इसमें सारा कुछ है, इसमें रिवर्स करेक्ट 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 करेक्ट। ये आफ्टर मार्केट है, ऐसा लग रहा है कि इस बार हम बाहर ही जा रहे हैं। इरफान भाई जैसा मैंने बताया 0 to 100 5.1 सेकंड पे है, तो अब हम आज प्रैक्टिकली करके देखेंगे। माय गॉड, पॉसिबल है या नहीं है। सही है। सो नाउ वी गोना शो यू 0 to 100 कितना सेकंड? 5.1। एक मिनट रुको, फिर लेट मी डू दैट। चलो चलो करो, जीरो पे है। एक सेकंड, स्पीड ब्रेकर है उसके बाद। ठीक है, स्पीड ब्रेकर के बाद करेंगे। मैं कह रहा हूँ उस गाड़ी को भी जाने दो एक बार, तब थोड़ा हम पूरा पैच मिलेगा हमें खाली। तो हम रुक जाते हैं ठीक है यहाँ पे, तो जस्ट टू सी कि ये गाड़ी में रीमैप लग रही है। हाँ जी, देखिए मेरे हिसाब से भी रीमैपिंग हुई हुई है, बट आई एम नॉट श्योर, बट फिर भी हम नहीं करूँगा, देख लेते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, बाप रे बाप, बाप रे, ओ भाई, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, 100% हो गया भाई, 100% भाई। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये 4 सेकंड में हुई होगी, ये 5 भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, ये लिटरली भाई 5 सेकंड में ये गाड़ी छूमंतर होगी भाई। ये बहुत अमेजिंग है परफॉर्मेंस वाइज, इस गाड़ी को मतलब 10 out of 10 है भाई, इतनी अमेजिंग है। बोला है कि गाड़ी रीमैपिंग हुई हुई है, कि मतलब एकदम पिकअप। ओ ओ बाप रे बाप, तो फटाफट इसकी डील ले लेते हैं, मुझे लग रहा है फिर हम ज़्यादा एक्साइटेड रहेंगे। फिर डील बता दो इसकी, क्या डील है इरफान भाई? 2016 मॉडल, 30,000 चली हुई। ओके, यूपी नंबर, Z4 35i कन्वर्टेबल। हाँ जी, और नंबर की बात करें बहुत ही स्पेशल नंबर, 7777 नंबर है इस गाड़ी का। ओके, आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट फिटेड है, 0 DEP इंश्योरेंस है। और देखिए प्राइस की बात करें तो 46,90,000 की डिमांड रखी है, जो कि ऑन टेबल नेगोशिएबल। बहुत बढ़िया, तो ये है इसकी कुछ डिमांड, और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आएगी क्रेजी अबाउट कार की, वो भी रहेगी धमाकेदार, उसमें भी हम आपको दिखाएंगे अमेजिंग कार्स। तो इसी नोट के साथ हम लेते हैं अलविदा, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय गाइस। एक बार बाय भी कर दीजिए बस।